हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज के खाने से। और आज मैं खाने में बना रही हूँ केले की सूखी सब्जी, जो कच्चे केले होते हैं उनकी सब्जी, और ये ड्राई सब्जी है। तो इसको मैं बनाने के लिए यहाँ पर टोमेटो कट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैंने एक अनियन भी फाइनली चॉप किया है, और एक पूरा गार्लिक क्लीन करके उसको क्रश कर लिया है, और यहाँ पर मैं जिंजर को ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और इसको गर्म होने के बाद मैंने कच्चे केले साफ़ करके छील के कट कर कर रख लिए थे, तो वो यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल में डाल देती हूँ, और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, फ्राई करते टाइम हम फ्लेम हाई ही रखेंगे, और इसको हाई फ्लेम पर 2 to 3 मिनट्स के लिए अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो 3 मिनट्स अच्छे से फ्राई करने के बाद केले की ऊपर की कवरिंग गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है, और इसको अब हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अगेन हम पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लेंगे, और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम क्यूमिन सीड्स। तो क्यूमिन सीड्स जब फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने एक अनियन कट किया था, फाइनली चॉप्ड किया था, उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम तक। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे। जब अनियन फ्राई हो जाएगा, तो जिंजर और गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसको भी हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब ये सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तो जो हमने टमाटो कट करके रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर को डालने के बाद इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, और सॉल्ट डालने से टमाटो जल्दी और अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पर हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको यहाँ पर हम लिड लगाकर ढककर लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर टमाटर गल चुका है, और अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। तो ये सब हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, मीन्स थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो अगेन यहाँ पर लिड लगाकर हम इसको 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि मसाले जो तेल ना छोड़ दें, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर लिड लगाकर 1-2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। तो मसाले यहाँ पर अच्छे से भुन चुके हैं, और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देंगे, जो मैंने पहले से ही काट कर रख ली थी। तो यहाँ पर कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए मसाला रेडी हो चुका है, और इस पॉइंट पर हमने जो केले फ्राई करके पहले से रखे हुए थे वो यहाँ पर इसमें डाल देंगे, और उनको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 to 3 स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं, और इसको हम अब ढककर पकाएंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद ये कच्चे केले की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत ही डिलीशियस लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है, और यहाँ पर कच्चे केले की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सब्जी इसी तरह से बनाती हूँ, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं ये सब्जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं स्पेंसर में, हमें कुछ सामान लेना था। वैसे हम सारी ग्रोसरी क्रूफर से लेते हैं, ऑनलाइन ही मंगाते हैं, बट कभी कभी कुछ ज़रूरी सामान लेना होता है तो आना पड़ता है। तो अभी हम आए हैं स्पेंसर, और थोड़ा सा सामान परचेज़ करना है, तो जल्दी से परचेज़ कर लेते हैं और फिर घर चलते हैं। पोहा तो पापा लेकर आए हैं, घर पे रखा है पोहा। पंकज,
भी कहा यहाँ सामने है। आपको घर जाके जो पीना है वो ले लो यहाँ से। एडी पेप्सी लेना है या ये और ये दोनों। माउंटेन ड्यू का टेस्ट बहुत खराब होता है। तो यहाँ पर हम घर पर थोड़ा सा सामान जो लेना था वो लेकर आ गए हैं और मैंने यहाँ पर इंस्टेंट पॉपकॉर्न के पैकेट लिए हैं जो अनैप को बहुत पसंद है। और ये नमकीन अनैप को खाना था, पता नहीं कौन सी नमकीन है इसको ये चाहिए था तो ये लिया है। उसने चॉकलेट ली जबकि चॉकलेट फ्रिज में पहले से ही रखी हुई थी बट उसको ये वाला चॉकलेट चाहिए था। और यहाँ पर ये नमकीन का पैकेट था जो 4 के पैक में थी, ये नमकीन ली है। ये एडी ने बोर्नविटा लिया है। बोर्नविटा कभी वो मिल्क में डालकर नहीं पीता है, ऐसे ही ड्राई खाता है। वैसे बचपन में मैं भी हमेशा ड्राई खाती थी, कभी भी मिल्क में डालकर नहीं पीती थी। उसको भी ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही वो बोल में लेता है और ड्राई खाता है। और यहाँ पर ये डार्क फैंटेसी बिस्किट लिए हैं जो अनैब और मेरे दोनों के फेवरेट हैं। और यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लिया है। और यहाँ पर एक ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक ली है माजा, जो अनैब को ज़्यादा पसंद है, मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। वैसे वो उसको दोनों ही पसंद है, ब्लैक भी और ऑरेंज भी, तो मैं मोस्टली मुझे ब्लैक ही पसंद है। पेप्सी, कोक और थम्स अप। और यहाँ पर हमने एक वाइट रसगुल्ले का पैकेट भी लिया है और ये कैन वाली कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं और बिस्लरी की वाटर बॉटल ली हैं जो अभी कार में ही है, उनको अभी लेकर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर नवरात्रि का लास्ट दिन है और मेरे फ्लैट के सामने एक आंटी रहती हैं, बहुत ही स्वीट हैं और उन्होंने अनैप को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, तो वो उसका यहाँ पर टीका कर रही हैं। हाँ वही। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल लाइक माई दिस ब्लॉग। So if you like my this vlog, then please do like, share and subscribe my channel. Till then, stay happy, stay connected and see you in next vlog. Bye friends!